स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। अ ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हैंगिंग थ्रू अ कॉर्ड एज शोन इन फिगर 1, फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड। अब आपने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स के टेंशन फाइंड आउट करनी है। आप इसका डाटा पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास चीजें जो है वो काफी क्लियर हो जाती है। स्टूडेंट्स डेटा जो हमने इस स्टेटमेंट से निकाला है वो हमारे पास कुछ ये है कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका वेट हमें गिवन है जो कि हमारे पास 10 न्यूटन है, ठीक है। और उसको एक आपने हैंग किया हुआ है, एक आपने एक रस्सी है, एक कॉर्ड है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या किया है कि आपने उसके अंदर जो टेंशन है यानी कि खिंचाव जो आप जिसे हम कहते हैं उर्दू जुबान में, वो आपने फाइंड आउट करना है उस रस्सी के अंदर या उस कॉर्ड के अंदर, ठीक है। अब टेंशन टी से अगर हम उसे डिनोट करें तो वो हमने फाइंड आउट करनी है, वो हमारे लिए अननोन है। अब स्टूडेंट्स टेंशन जो है, अब सबसे पहले हम फिगर पे जाते हैं दोबारा। ये फिगर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब फिगर 1 में मैं इनको लेबल करने जाती हूँ कि अगर ये जो मेरे पास ब्लॉक है जिसका हम कहते हैं कि वेट जो होगा वो उसके सेंटर पॉइंट से हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। जिसे मैं डब्ल्यू से डिनोट किया तो हम उसके जो उसका फॉर्मूला है वो हमारे पास एम जी होता है, यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और टेंशन जो होती है वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्ट्रिंग में या रूप में जो होगी वो हमेशा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करी होगी, यानी कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर मैंने बनाया ये हमारे पास बेसिकली टेंशन कहलाएगा जो कि स्ट्रिंग या फिर रूप में जो है वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक। इससे तो हमें इसकी डायरेक्शन का पता चल गया कि इसकी क्या होगी डायरेक्शन, और फिर उसके बाद हम इसका हमने मैग्नीट्यूड यानी कि जो हमने इसकी वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यानी कि इसकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हम क्या जो है टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ रखी है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो तमाम फोर्सेस यानी कि जितनी भी फोर्सेस किसी भी सिस्टम पे एक्ट कर रही होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, यानी कि समेशन जो उनका होता है यानी कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज जो होती हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, जीरो के बराबर होंगी। यानी कि सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जो है वो भी हमारे पास जीरो के बराबर होंगी, और सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन जो है वो भी हमारे पास जीरो के बराबर होंगे। और अगर हमारे पास इस केस में अगर जी एक्सिस में भी कोई फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं तो फिर भी मैं ये लिखती हूँ कि समेशन एफ ऑफ जी जो है वो भी हमारे पास जीरो के बराबर होगा, ठीक। अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस, ये अगर मेरे पास एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, तो अब मैं सबसे पहले देखती हूँ कि मेरे पास एक्स एक्सिस में कौन सी फोर्सेज लग रही हैं। अगर हम इसके ऑपोजिट भी कर सकते हैं यानी कि अगर जिस तरह से यहाँ मैंने इसको एक्स एक्सिस कह दिया, इसको वाई एक्सिस कह दिया क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते हैं, तो आप इसके ऑपोजिट भी ले सकते हैं यानी कि ये वाई एक्सिस भी हो सकता है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस भी हो सकता है। ये जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हमारे पास ये तीन एक्सिस जो हम बनाते हैं एक्स वाई और जी जो है ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलरली लाए कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास जो एक्स एक्सिस में फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं। एक्स एक्सिस में अगर हम देखें तो इस फिगर के मुताबिक कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो एक्स एक्सिस की में लाए कर रही हो, तो फिर इसका मतलब हुआ कि हमारे पास समेशन एफ एक्स जो है वो हमारे पास जीरो के बराबर है और यहाँ कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं समेशन एफ ओ वाई में। अगर समेशन एफ ओ वाई देखा जाए तो उसमें हमारे पास दो फोर्सेज एक्ट कर रही है, एक वेट कर रही है और एक टेंशन कर रही है। तो अगर हम इनका देखें तो अगर टी जो है यानी कि टेंशन जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग आ रही है, यानी कि अगर आप देख सकते हैं कि उसकी जो डायरेक्शन है, मैं अगर इसको किसी और कलर से भी डिनोट कर देती हूँ, ये पर्पल कलर का अगर यूज कर लेते हैं इसके लिए, या फिर इससे भी कोई डार्क कलर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये अगर हम पिंक कलर यूज करें तो पिंक कलर से आपको ये शो करी है कि जो टेंशन है ये बिल्कुल अलोंग द वाई एक्सिस है। अब अलोंग द वाई एक्सिस जो डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स वो हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर नेगेटिव वाई एक्सिस में जाएगी यानी कि माइनस वाई यानी कि नीचे वाई डायरेक्शन में जाएगी तो माइनस वाई एक्सिस कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस भी होते हैं। अगर समेशन एफ वाई में हम फोर्सेज को लिखना चाहेंगे तो जो फोर्सेज वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग होंगी वो पॉजिटिव कंसिडर की जाएंगी, और जो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग होंगी वो नेगेटिव कंसिडर की जाएंगी। जिस तरह टी के साथ मैंने पॉजिटिव साइन डाला है, और डब्ल्यू जो होगा वो क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके साथ मैं माइनस साइन लगाऊंगी और फिर डब्ल्यू लिखूंगी। और इनका समेशन जो है यानी कि ये दो फोर्सेस जो कि वाई एक्सिस में
अलोंग एक्ट कर रही थी, तो इनका जो सम है यानी कि इन दोनों को जब मैंने एड अप कर दिया है तो ये हमारे पास जीरो के बराबर है। अब इसी चीज को हम एक और तरह से लिखते हैं ताकि आपको इसकी समीशन की जो चीज है वो क्लियर हो जाए, कि यानी कि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि टी प्लस माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जीरो, ताकि समीशन की जो मीनिंग है वो मेंटेन रह सके, यानी कि समीशन जो है वो हमारे पास क्या होता है, सम होता है, ठीक है। और माइनस आए ना, अगेन मैं आपको बता दूं कि हमने नेगेटिव वाई एक्सिस की वजह से पुट किया, क्योंकि डब्ल्यू की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। अब इसी को अब मैं इस ब्रैकेट को जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा स्टूडेंट्स, जिसका जिससे मुझे मालूम हो जाता है कि टेंशन जो है वो डब्ल्यू के बराबर आ जाती है। अगर मैं नेगेटिव को राइट हैंड साइड पर ले जाऊंगी तो मेरे पास पॉजिटिव बन जाएगा, और W जो है हमारे पास स्टूडेंट 10 न्यूटन है, तो इसका मतलब हुआ कि टेंशन जो एक्ट कर रही है बॉडी पे वो 10 न्यूटन की है, जिससे मुझे ये मालूम हो गया स्टूडेंट्स कि हमारे पास टेंशन और वेट जो होते हैं वो हमेशा सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, लेकिन उनकी सिर्फ डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है टू ईच अदर। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। हमारे पास जो स्टेटमेंट है इस प्रॉब्लम की वो कुछ इस तरह है कि आप इन दिस फिगर गिवन बिलो अ लालटेन वेट्स 100 न्यूटन इज हंग बाय टू वायर्स, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। अब जिस तरह से आपको यहाँ नजर आ रहा है कि हमने एक जो लालटेन है जिससे हमें लाइट मिलती है स्टूडेंट्स, उसको हमने जो है वो हैंग किया है, और उसका जो वेट है लालटेन का वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास इस केस में 100 न्यूटन है। अब मैं यहाँ उस चीज़ को ड्रॉ भी करती हूँ कि हमारे पास जो वेट है वो स्टूडेंट हमेशा सेंटर पॉइंट से जो है वो नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जो है वो जो है डाउनवर्ड एक्ट करता है, और W जो है क्योंकि वेट से डिनोट करते हैं हम W से, और वो हमारे पास इस केस में हमारे पास कितना है 100 न्यूटन्स का है, ठीक है। अब आपने इसको इस पॉइंट से यानी कि इसके सेंटर से जो है दो स्ट्रिंग्स के जरिए जो है वो अटैच किया, और ये जो दो स्ट्रिंग्स है स्टूडेंट्स ये इक्वल लेंथ के हैं, और जिस एंगल पे ये मतलब कि रखे गए हैं यानी कि थीटा जो है वो हमें गिवन है कि वो हमारे पास 40 डिग्री है, ठीक है। 40 डिग्री जो है वो एंगल है जिस एंगल पे जो है ये मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हमारे पास लाइन है ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो ये एंगल बना रहे हैं स्ट्रिंग्स वो हमारे पास कितना है 40 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। अच्छा अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि अगर मैं इस जो खिंचाव है जिसे हम क्या कहते हैं टेंशन कहते हैं, अगर मैं इन इन स्ट्रिंग्स में जो है वो टेंशन देखूँ, तो अगर मैं देखूँ कि मैं ये T1 से मैं डिनोट कर देती हूँ और इसको मैं T2 से डिनोट कर देती हूँ, यानी कि दो स्ट्रिंग्स के अंदर जो हमारे पास टेंशन है T1 और T2, ये हमने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ हम डाटा लिख लेते हैं कि जो डाटा हमें गिवन है वो हमारे पास ये है कि थीटा जो है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहे हैं हमारे स्ट्रिंग्स वो 40 डिग्री है, और वेट जो है वेट ऑफ द लालटेन जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 100 न्यूटन है। और फिर उसके बाद हमें स्ट्रिंग्स के अंदर जो टेंशन है यानी कि खिंचाव है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, T1 और T2। अब क्योंकि हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिएक्शन फोर्सेस होती हैं वेट के ऑपोजिट जो एक्ट कर रही होती हैं वो टेंशन होती है, यानी कि अगर आपने वेट को किसी भी स्ट्रिंग के साथ किसी रोप के साथ अटैच किया तो उसके अंदर जो खिंचाव उस वेट की वजह से होगा वो हमारे पास टेंशन कहलाएगा, और इसी बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी आपने वही टेंशन जो है वो उसको कैलकुलेट करना है। अच्छा अब इस मेथड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं यानी कि जो सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स पे आएंगे। रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान करने के लिए हम उसको रिजॉल्व कर देते हैं कंपोनेंट्स में, उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। अब जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास दो वैक्टर हैं जो कि एक एंगल पर रखे गए हैं, अगर मैं इस T1 वेक्टर को रिजॉल्व करूँ इसके एक्स और वाई कंपोनेंट में, तो हमारे पास इसका जो एक्स कंपोनेंट है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से, मैंने कहा कि ये हमारे पास अगर एक्स कंपोनेंट उसका जिसे मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास T1 कॉज ऑफ थीटा है, ठीक है, T1 कॉज ऑफ थीटा अगर मेरे पास इस डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स, तो मैं इसकी जो हेड है इसकी जो टेल है उसके साथ वाई वेक्टर का जो है यानी कि वाई कंपोनेंट, ये जो मेरे पास वाई कंपोनेंट है इसका मैं हेड ज्वाइन करूंगी, ठीक है। तो मेरे पास ये जो वेक्टर जो कि मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया है, ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स T1 साइन ऑफ थीटा, ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि ये मेरे पास क्या है T1 साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब इसको हम जो है मैं इसको इसको एरो हेड के जरिए यहाँ लिखने जा रही हूँ कि ये मेरे पास T1 साइन ऑफ
थीटा के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह मैं जो है स्टूडेंट्स, ये मैंने टी वन कम्पोनेंट, जो टी वन वैक्टर है उसको मैंने रिजॉल्व कर लिया है इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये अगर मेरे पास का वाई कंपोनेंट है और ये मेरे पास इसका एक्स कंपोनेंट, तो जो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो टी वन बन रहा है इस केस में। बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स मैं जो है टी टू वैक्टर को भी इसके एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजोल्व करूंगी। अगर मेरे पास टी जो एक्स कंपोनेंट है टी टू वैक्टर का, वो मेरे पास ये बन रहा है टी टू इंटू कॉज ऑफ थीटा, और मेरे पास ये जो वेक्टर है इसी तरह मेरे पास ये वाला जो कंपोनेंट आएगा जो कि अपर डायरेक्शन में शो किया जा रहा है, ये मेरे पास किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, यानी कि बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर वो कंसाइड कर रहा है, और ये मेरे पास है स्टूडेंट्स टी टू इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और ये हमारे पास उसका रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा जो कि हमारे पास टी टू के बराबर आएगा। यानी कि आपने एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल ज्वाइन की और फिर हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। तो इस तरह हमने जो है टी वन और टी दोनों को जो है रिजॉल्व कर लिया इनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी अब कंपोनेंट्स तो हमने इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमने पढ़ रखी है उसके मुताबिक हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से जो है जो एक्स कंपोनेंट, मतलब कि हमारे पास जो फोर्सेस जो कि एक्स डायरेक्शन में एक्ट करती हैं, यानी कि उनका सम हमारे पास किसके बराबर होगा। समेशन एफ ऑफ एक्स जो है वो हमने पढ़ा है कि वो जीरो के बराबर होना चाहिए, और समेशन एफ ऑफ वाई जो है वो भी हमारे पास जीरो के बराबर होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक्स कंपोनेंट्स में देखते हैं कि हमारे पास इनका जो समेशन है वो किसके बराबर आता है। अब एक्स कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखें स्टूडेंट्स, यानी कि ये मेरे पास अगर एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास स्टूडेंट्स वाई एक्सिस है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, तो अगर मैं एक्स एक्सिस में देखूँ तो मेरे पास कौन कौन सी फोर्सेज आ जाती हैं। अब एक्स एक्सिस में कौन सी फोर्सेज आ रही है, सबसे पहले जो मुझे फोर्स नजर आ रही है यानी कि इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स टी वन कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, और प्लस मेरे पास आ जाएगा टी टू कॉज ऑफ थीटा। अब टी टू कॉज ऑफ थीटा स्टूडेंट्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मैंने आपको जिस तरह से हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक्स एक्सिस, ये अगर मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इसके ऑपोजिट ओरिजिन के जो दूसरी साइड होगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, और इसी तरह ये मेरे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा और ये मेरे पास नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। तो जो जो फोर्स या फिर जो वेक्टर हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आएगा स्टूडेंट्स, हम उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे, लेकिन जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आएगा हम उसका नेगेटिव साइन लगाएंगे, और यही केस जो है वो हम वाई एक्सिस के साथ भी ही करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो टी टू कॉज ऑफ थीटा है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस वजह से मैं उसके साथ नेगेटिव साइन लगाने लगी हूँ टी टू इंटू कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, और ये हमारे पास जीरो के बराबर आएगा क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ फोर्सेज ऑल फोर्सेज एक्टिंग इन द एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फिर मैंने ये चीज ये वाली लाइन लिख दी। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास टी वन और टी टू जो है वो एक से इक्वल लेंथ के वैक्टर्स है हमारे पास, और उनका जिस एंगल पे वो एक्ट कर रहे हैं वो भी एंगल हमारे पास सेम है, यानी कि आप देख सकते हैं दोनों जो है वो 40 डिग्री पे रखे गए हैं और उनकी लेंथ सेम है, जिससे मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि मेरे पास टी वन जो है वो टी टू के बराबर है, यानी कि बिल्कुल सेम जो है वो वेक्टर्स हैं, सेम फोर्सेस हैं ये हमारे पास। तो इस वजह से टी वन जब मैं टी टू के बराबर करती हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास टी वन कॉज ऑफ थीटा, या फिर आप इसको सिर्फ टी भी लिख सकते हैं, यानी कि टी वन इज इक्वल टू टी टू इज इक्वल टू टी, आपने उसको एक कॉमन से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ जो है आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कि हमारे पास जो टी कॉज ऑफ थीटा है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वो हमारे पास बराबर आ जाएगा टी वन जो है वो भी टी के बराबर आ जाएगा, और टी टू भी हमारे पास टी के बराबर आ जाएगा। टी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा की वैल्यू जो है 40 डिग्री है, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल अप हो जाएंगे और जीरो जो है वो जीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने पहली देख ली, और अब समेशन एफ ऑफ वाई देखते हैं स्टूडेंट्स। हम समेशन एफ ऑफ वाई जो है उस केस में, यानी कि अब मैं समेशन एफ ऑफ वाई में वैल्यूज पुट करने जा रही हूँ, ठीक है। अब समेशन एफ ऑफ वाई में अगर आप देखें तो हमारे पास अगेन उसी तरह दो फोर्सेस है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में कर रही है, जो कि एक हमारे पास टी वन साइन ऑफ थीटा है और दूसरी हमारे पास टी टू साइन ऑफ थीटा है, ठीक है। इन दोनों फोर्सेज अपवर्ड डायरेक्शन में कर रही है और एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रही है, जो कि वेट ऑफ द लालटेन है, ठीक है। अब अगर हम इसमें मैं वैल्यूज पुट करूँ तो मेरे पास क्या आता है, टी वन साइन ऑफ थीटा प्लस टी टू साइन ऑफ थीटा,
ये दोनों फोर्सेस वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, इस वजह से मैंने उनके साथ पॉजिटिव साइन डाला है, और मैं नेगेटिव साइन डालूंगी डब्ल्यू के साथ, जो कि वेट ऑफ द हमारे पास जो लालटेन है उसकी वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, इस वजह से मैंने उसका नेगेटिव साइन डाल दिया। अब टी वन जो है वो टी टू के बराबर है, और इस वजह से मैं यहाँ इसकी जगह मैं टी भी लिख सकती हूँ, तो मेरे पास टी साइन ऑफ थीटा इज प्लस टी साइन ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास W के बराबर आ जाएगा, यानी कि मैंने उसको राइट हैंड साइड पे लेके हूँ W को। तो मेरे पास यहाँ क्या बन गया स्टूडेंट्स, टू टी साइन ऑफ थीटा ठीक है इज इक्वल्स टू W, और जब मैं T की वैल्यू इसमें से कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, T इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय टू साइन ऑफ थीटा ठीक है। और W की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी थी, 100 न्यूटन, और टू और साइन ऑफ जो थीटा है स्टूडेंट्स वो हमें गिवन है 40 डिग्री है ठीक है। जब साइन ऑफ 40 को मैं रिजॉल्व करती हूँ कैलकुलेटर की मदद से, तो मेरे पास जो आंसर आता है स्टूडेंट्स वो क्या आ रहा है, और उसको मल्टीप्लाई अगर मैं कर लूँ टू के साथ, तो मेरे पास आंसर आ रहा है मैं कैलकुलेटर से करके 1.2855 ठीक है। और जब मैंने इसको 100 डिवाइडेड बाय 1.2855 किया, तो मेरे पास आंसर आया 77.8 न्यूटन ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है टेंशन, जो कि स्टूडेंट्स हमने इस तरह से जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो फाइंड आउट कर लिया, यानी कि ये जो T1 और T2 की वैल्यू जो कि हमारे पास T के बराबर थी। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है किसी चीज का अंदर जाना है, साइटोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, तो एंडो मीन होता है इनर, और जो एक्सो होता है उसका मतलब होता है आउटर, कि किसी चीज का सेल से बाहर निकल जाना ठीक है, एक्सो मीन होता है आउटर। अब हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि देखते हैं कि इन दोनों प्रोसेसेस में क्या हो रहा है सेल के अंदर। हमारे पास ये होती है, इसमें हमारे पास सेलुलर इंजेशन होती है, सेल के अंदर फूड मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और सेल उसको कैसे अंदर लेकर जाता है उसको हम सेलुलर इंजेशन कहते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी चीज का सेल के अंदर एंटर होना उसको हम सेलुलर इंजेशन बोलते हैं। अब हमारे पास सेलुलर इंजेक्शन जो होती है उसमें हमारे पास जो सेल है अपनी मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करके लेकर जाता है ठीक है। इस प्रोसेसेस को हम दो हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं एंडोसाइटोसिस के, यहाँ हम लिख लेते हैं। एंडो के अंदर हमारे पास दो टॉपिक दो प्रोसेस आएंगे जिनको हमने फर्दर डिवाइड किया है एंडोसाइटोसिस ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम फेगोसाइटोसिस, उसके बाद हम देखेंगे पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस होता है किसी भी सॉलिड पार्टिकल का सेल के अंदर मूव करना, और सॉलिड पार्टिकल जब मूव करेगा इसको हम सेलुलर ईटिंग भी कहते हैं। जब हम सॉलिड खा रहे थे हम ईटिंग करते हैं, और जब हम लिक्विड खाते हैं तो हम ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं। तो फेगोसाइटोसिस क्या है ये हम देखते हैं, ये एंडोसाइटोसिस की ही एक टाइप है ठीक है। सेल के अंदर ही चीजें मूव करती हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं एंडोसाइटोसिस हो गया ठीक है। मैं आपको एक डायग्राम के जरिए इसको क्लियरली समझाती हूँ कि कैसे हमारे सेल के अंदर चीजें मूव करती हैं ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम आ गई है, हमें नजर आ रही है कुछ चीजें इसमें लेबल हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल की कवरिंग होती है, हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, और इसकी प्रोटेक्शन करती है और चीजों को मूवमेंट भी करने में हेल्प करती है। साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जेल लाइक मैटर होता है, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है जो कि सेल के काम फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब ये जो हमारे पास बड़ा सारा आपको बाहर एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, ये रेड कलर का, ये एक सॉलिड फूड मॉलिक्यूल है ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं सॉलिड है और फूड मॉलिक्यूल है ठीक है। ये सॉलिड है, ये सेल मेम्ब्रेन देखिए इनगल्फ हो रही है ठीक है, यहाँ से अंदर से इस चीज को लेके जा रही है, फोल्ड हो रही है। हमने यहाँ लिखा था कि फोल्डिंग होगी, इनफोल्डिंग इसकी हो रही है। यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो रही है ठीक है, इनफोल्ड हो रही है। इसको सही करके लिख लेते हैं, इनफोल्ड हो रही है ठीक है। जब इनफोल्ड होगी तो ये इसको कवर करेगी और फिर ये मॉलिक्यूल अंदर चला जाएगा ठीक है, अंदर जाके फिर ये फूड वैक्यूल बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया है, अब फूड वैक्यूल बन गया है। और फिर आगे इस तरह ये जो है ये एंडोसाइटोसिस जो फेगोसाइटोसिस कहलाती है, इसको हम सेलुलर ईटिंग भी कहते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं कि सेल फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या क्या चीजें हो रही होती हैं, इस प्रोसेस को हम सेलुलर ईटिंग कहते हैं। सेल का किसी चीज का खाना, सॉलिड पार्टिकल का अंदर लेके जाना, और इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल अंदर मूव करेगा, सॉलिड मॉलिक्यूल मूव करेगा ठीक है। ये सॉलिड हमने जैसे लिखा भी हुआ यहाँ भी लिख लेते हैं कि सॉलिड पार्टिकल जाएंगे ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं पिनोसाइटोसिस जो कि लिक्विड की मूवमेंट। जी स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं पिनोसाइटोसिस लिक्विड की मूवमेंट, सेल इसको हम सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहते हैं, जिस तरह हम पानी पीते हैं कोई लिक्विड चीज हम पीते हैं तो उसको हम ड्रिंकिंग कहते हैं ठीक है।
कोई भी जूस हो सकता है, कोई पानी वगैरह हो सकता है। ये हमारे पास डायग्राम आ गई, डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम इसको। ये हमारे पास जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, आपको पता है ये क्या है हमारे पास, ये मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कोई भी लिक्विड हो सकता है, यहाँ हम लिख लेते हैं लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड चीज़ जब ड्रिंक की जाती है ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये वैसे ही यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल की बाहर वाली कवरिंग है वो वैसे ही इनफोल्ड हो के, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या हो रही है, इनफोल्डिंग हो रही है, ठीक है। इनफोल्डिंग के थ्रू क्या करेगी ये, इन जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं इनको कवर करके अंदर ले जाएंगे। देखिए अंदर चलिए, अंदर फिर जाके हमारे पास फिर वैक्यूल बन गया है, ठीक है। अब ये इस प्रोसेस को हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। साइटोप्लाज्म में ये चली जाएगी, ठीक है, यहाँ साइट में बस न्यूक्लियस भी है। तो सेल इस तरह से लिक्विड पार्टिकल्स को अंदर लेकर जाएगा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि पिनोसाइटोसिस को हम पिनोसाइटोसिस को सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहते हैं, कि सेल जो है वो ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई लिक्विड चीज अंदर लेके जा रहा है। यहाँ हम लिख लेते हैं सेलुलर ड्रिंकिंग, ये ऑल्सो इसको हम सेलुलर ड्रिंकिंग कहेंगे। और इसमें जाए कौन से मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, इसमें हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, ठीक है। लिक्विड इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू, सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब ये हमने एंडोसाइटोसिस की टाइप देखी, इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सोसाइटोसिस क्या है। जी, अब हमारे पास एक्सोसाइटोसिस, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि एक्सो मीन आउटर, बाहर चीजों का मूव करना, साइटोसिस मीन होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेल के अंदर से। अब आउटर कैसे चीजें मूव करेंगी, जी हमारे पास, हमने पहले भी डायग्राम देखी, हमारे पास एक फूड मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये अंदर मूव किया, ये हमारे पास क्या बन गया, वैक्यूल बन गया, ठीक है, फूड वैक्यूल बन गया। यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास वैक्यूल बना, फूड वैक्यूल बना, ठीक है। और इफ फूड वैक्यूल जो है, जब ये मिलेगा हमारे साथ लाइजोसोम, जो कि एंजाइम्स होते हैं, इसके साथ मिलके यहाँ पर इसकी डिग्रेडेशन होगी। ये जब डिग्रेड हो जाएगा तो फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल से बाहर एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बाहर चीजें इस तरह मूव होंगी, इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बाहर मटीरियल आ गया, वेस्ट एक्सट्रैक्ट हो गया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, जो फूड अंदर आती है वो डाइजेस्ट होकर बाहर निकल जाती है, एक्सोसाइटोसिस यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक्सोसाइटोसिस में हुआ क्या क्या है हमारे पास, यहाँ वन बाय वन हम मेंशन कर लेते हैं कि लाइजोसोम्स के साथ, लाइजोसोम्स जो हैं उन्होंने, सॉरी लाइजोसोम्स क्या करेंगे, लाइजोसोम्स जो हैं वो प्लस हमारे पास फूड वैक्यूल जो है रिएक्ट करेंगे, आपस में कंबाइन होकर डाइजेशन होगी फूड की, फूड वैक्यूल। तो हमारे पास जो वो मटेरियल रिलीज करेंगे, वो बॉडी से जो भी एक्सक्रीट करेंगे हमारे पास ब्रेक डाउन के बाद, वेस्ट मटेरियल को यहाँ पे ब्रेक डाउन होगी फूड की, ठीक है। ब्रेक डाउन के बाद क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है। वेस्ट इज रिलीज फ्रॉम द सेल, ठीक है, रिलीज कर देंगे हम, सेल से बाहर चला जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं हम, वेस्ट रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस देखा, कि सेल के अंदर कैसे मेम्ब्रेन जो है इनफोल्ड होकर मॉलिक्यूल्स को अंदर लेती है, लिक्विड को ले तो हम उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं, सॉलिड को ले तो हम उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं, ये चीज़ों का अंदर आना है, फिर वैक्यूल जो बनता है वो लाइजोसोम से मिलकर ब्रेक डाउन करने के बाद सेल से बाहर चीज़ों को एक्सक्रीट कर देता है, इसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं।